जीवन में अनेक पुस्तकों का विमोचन मैंने किया होगा, लेकिन आज जैसा पुस्तक विमोचन पहले कभी नहीं किया। क्योंकि इससे पहले तो जब भी कभी पुस्तक विमोचन करने के लिए जाता था तो मुझे भाषण नहीं करना पड़ता था, मुझे तो खाली पुस्तक दिखानी पड़ती थी। आज दोनों काम किए, पुस्तक दिखाई भी और इस समय मैं बोल भी रहा हूं। मेरे लिए ये तो गर्व की बात है कि जिस पुस्तक को मैंने केवल पढ़ा है, लिखा नहीं, उस पुस्तक के बारे में पुस्तक दिखा करके उससे आगे कुछ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी सभा पुस्तक विमोचन के लिए पहले मैंने कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर सभा जहां पर लोग जो आए हैं वो सचमुच इसलिए आए हैं कि उनको पता है कि आज यहां पर पुस्तक विमोचन होगा और उस पुस्तक विमोचन के दृश्य को दिखाने में ही हमको संतोष है और देखने वालों को भी संतोष है। इतनी शानदार सभा और वह भी उड़ीसा की राजधानी में, मैं कल्पना नहीं कर सकता कैसी हो सकती है। और जिसमें पुस्तक को विमोचन करने वाले को उड़िया बिल्कुल आती नहीं, उड़िया का सम्मान कर सकता है, उसकी इज्जत कर सकता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं। ये मेरे साथ मैं कहूंगा कि न्याय नहीं, लेकिन न्याय न होते हुए भी इतना आनंद मुझे मिला आज उस पुस्तक का टॉल मैन के नाम से विमोचन करने में कि मैं कह नहीं सकता कि इससे पहले किसी और पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में मुझे इतना आनंद मिला होगा जितना आज मिला है। और बीजू पटनायक ही नहीं, बीजू पटनायक के परिवार के लोग ही नहीं, बीजू पटनायक की भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग ही नहीं, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि इस उड़ीसा प्रदेश में जितने लोग होंगे उनको इस पुस्तक के विमोचन के कारण बहुत खुशी हुई होगी, बहुत आनंद हुआ होगा। मुझे उड़िया का ज्ञान न होते हुए भी आज गर्व होता है कि आज मैंने एक महान नेता जिसका सारा प्रचार सारे उड़ीसा भर में इस नाते है कि बीजू पटनायक द टॉल मैन, उस व्यक्ति का इतना सम्मान आज इस प्रदेश ने किया है, उड़िया भाषी लोगों ने किया है कि आप पढ़ेंगे पुस्तक तो पुस्तक पढ़ते ही मन में श्रद्धा और इज्जत का भाव पैदा होता है। मुझे तो कम से कम बहुत अच्छा लगा आज उड़िया की इस पुस्तक का विमोचन करने में और आपके बीच में बैठ करके, और वो बीजू पटनायक हों चाहे उनके परिवार के लोग हों चाहे उनकी भाषा भाषी बोलने वाले लोग हों, जितने लोग हों उन सब के बारे में मेरे मन में आदर और गर्व पैदा हुआ है, ये देख करके मुझे बहुत खुशी है।
और मैं बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने ये कल्पना की कि इस प्रकार की पुस्तक का विमोचन इस प्रकार से उड़िया की राजधानी में इसका विमोचन हो और उसमें भारत के एक कई पांच महान लोगों को बुलाया जाए कि जिनका उड़िया से संबंध भले ना हो लेकिन जिनका बीजू पटनायक के परिवार से पुराना संबंध रहा, घनिष्ठ संबंध रहा और जिनके मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव रहा, उस उन पांच लोगों को बुला करके उनके द्वारा इसका विमोचन करवाया जाए। और मैं कह सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि जिस समय इतनी बड़ी संख्या के बीच में और वो पुस्तक लेकर के जिस प्रकार से वो पुस्तक का नाम है टॉल मैन, उसी प्रकार से वो महान ग्रंथ जब मैंने आपके सामने यूं खड़ा करके दिखाया तो मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। मैं उसके लिए जिन लोगों ने इसकी कल्पना की, इस प्रकार के विमोचन की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बहुत धन्यवाद कि इतनी देर तक शांत रूप से और केवल मात्र मेरे शब्द सुनते रहना। कोई मेरे से पूर्व अंग्रेजी में बोला, मैं स्वयं हिंदी में बोला, लेकिन सब लोग समझ रहे थे कि चाहे बोल हिंदी रहे हो लेकिन उनका भाव जो है वो उड़िया का है, चाहे बोल अंग्रेजी रहे हो लेकिन उनका भाव उड़िया का है। श्रद्धा जो प्रकट कर रहे हैं वो उड़िया में प्रकट कर रहे हैं। हर एक के मन में ये जो भाव आता था उसके कारण मेरे बारे में भी मैं मानता हूँ कि एक श्रद्धा और आदर का भाव पैदा हुआ, जो मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए।